सोफिया, हम कभी इसे नहीं सीख पाएंगे। जानती हूँ, पिताजी पहले जितना व्यस्त रहते थे आज भी उतने ही हैं। ये आज का तीसरा है। माँ, मुझे नहीं लगता कि वैसा हो रहा है जैसा पिताजी चाहते थे। सच है, वो मानना नहीं चाहते, पर बेकर के मुकाबले वो कहीं बेहतर राजा हैं। माँ, माँ, क्या हम खेल के मैदान में जा सकते हैं? चलिए ना। एक मिनट बेटा, पहले मुझे ब्रेड खरीदना है। एक ब्रेड देंगे मुझे? मैं मदद करती हूँ। हमें माफ करना, ये थोड़ी सख्त है। अब हम जाकर खेल सकते हैं? चलिए ना माँ, जल्दी। ठीक है, तुम दोनों भी ना, शुक्रिया। एक मिनट, आपने बहुत ज्यादा पैसे दे दिए, मैं अभी आती हूँ। मुझे देखिए माँ, आप अपने पैसे वापस लेने भूल गई। ओह शुक्रिया, मैं बहुत जल्दी में थी, मेरे बच्चों को फिसल पट्टी पर खेलने की जल्दी थी। कितना अच्छा हुआ कि राजा ने ये फिसल पट्टी बना दी, काश वो देख सकते कि बच्चे कितने खुश हैं। मैं भी, उनका राजा बनना जरूरी है। रुको, यही तो है। माँ, आबो, मैं समझ गई पिताजी के लिए क्या करना है। क्या? मैं उन्हें दिखाऊंगी कि उन्होंने गांव वालों के लिए क्या किया है, इस बात के लिए वो राजा बनेंगे। ओह, उम्मीद है कि तुम सही कह रही हो। पिताजी, आप ब्रेड पहुँचाने में मेरी मदद करेंगे? बिल्कुल। बढ़िया। ये जे, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। मुझे पकड़ कर दिखाओ। पिताजी, खेल के मैदान के वही उपकरण है ना, आपने मंगाए थे। तुम ठीक कह रही हो सोफिया, बच्चों को फिसल पट्टी बहुत पसंद आई। बहुत पसंद आई है। अब चलिए, हमें और ब्रेड पहुंचानी है। कुछ समझ नहीं आ रहा, कल तक तो ये बगीचा खाली था और अब ये सब देखो। राजा रोलैंड और उनके जादूगर ने सब कुछ जल्दी उगा दिया। भला हो उनका, आज रात गांव के जश्न में हमें राजा का शुक्रिया अदा करना। रात का जश्न? मैं नृत्य कक्ष में नाचने के लिए बेताब हूँ। अरे गांव का जश्न, हम तो भूल ही गए थे। पता नहीं महल में सारी तैयारियां हुई हैं कि नहीं। अब हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है पिताजी, अब हम बेकर्स हैं। बेकर्स? हाँ बिल्कुल। देखो सोफिया, ये तो नया गुरुकुल है, सॉकिंस मैडम। ओह कैसे हो रोलैंड, आज हमें तुम्हारे ब्रेड की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या? पर क्यों? राजा स्कूल का उद्घाटन करने आए ही नहीं और हमें।